स्वागत है आप सभी का जय स्टडी में जुड़ने के लिए। आज मैं आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस 49,567 के सेकेंड बैच से संबंधित नोटिस आज जारी हुआ है, जिसमें कि JTC 22 अप्रैल 2021 को बढ़ाकर 31 मई 2021, वहीं RTC की अगर हम बात करें तो 24 मई 2021 को बढ़ाकर 28 जून 2021 कर दिया गया है। तो RTC अब जो होगी आपकी वो 28 जून 2021 से होगी, वहीं JTC 31 मई 2021 से होगी। तो आइए इस नोटिस में क्या क्या बातें कंफर्म की गई हैं उन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एक बार समझ लीजिएगा, क्योंकि चीज़ों को समझना काफ़ी मजबूरी होती है हमारी। जब तक हम नोटिस को कम्प्लीटली पढ़ नहीं लें तब तक हमें तसल्ली भी नहीं मिल पाती है, और आप लोगों का कहना भी होता है कि हमें नोटिफिकेशन जो नोटिस आया है उस नोटिस से तो अवगत करा दीजिएगा। मैं आपसे बात करना चाहूँगा मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ दिनांक 17 अप्रैल 2021, ठीक है। आयुक्त लखनऊ गौतम बुद्ध नगर वाराणसी एवं कानपुर नगर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश। विषय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहता है, अगर हम विषय पर थोड़ा सा चर्चा करें तो विषय इसका जो रहा था वो चीज़ समझिएगा। पुलिस आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 के द्वितीय फेज के अंतर्गत आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षा, चरित्र सत्यापन एवं प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी है। बात कर लेते हैं कि क्या क्या जानकारी यहाँ पे दी गई है और किस प्रकार से हमें चीज़ों को एडजस्ट कर लेना चाहिए। मैं आपसे कहूँगा कि कृपया उपयुक्त विषय इस मुख्यालय के सम्यक समसंख्यक पत्र दिनांकित 27 फरवरी 2021 एवं 3 मार्च 2021 को संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी PSC के पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 के अंतर्गत आरक्षी नागरिक पुलिस पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों का डेटा चयन परिणाम, और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें प्रबंध एवं व्यवस्था संबंधी बुकलेट, पेन ड्राइव आदि भेजते हुए अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षा, चरित्र सत्यापन के निर्देश निर्गत किए गए थे, जिसके संबंध में पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे। इस संबंध में अवगत कराना है कि आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 के अंतर्गत चयनित 17,360 अभ्यर्थियों के निम्नांकित कार्रवाई कराए जाने हेतु प्रस्तावित किया गया था। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सर 17,360 कंप्लीट नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा जो हमारा ऑफिशियल नोटिस एक प्रकार से यहाँ पे बाईपास हो रहा है वो हम बात करेंगे तो 17,360 ही है, इसलिए किसी भी प्रकार की बातों में आके गुमराह ना हूँ। पहले जो हमारा दिया गया था वो 8 मार्च 2021 से चरित्र सत्यापन तथा आपका चिकित्सा परीक्षण दिया गया था, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जो कि कंप्लीट फाइनली हुआ था 8 मार्च 2021 से प्रारंभ होते हुए, और 22/4/2021 JTC डेट कंफर्म कर दी गई थी, वहीं 24 मई 2021 RTC की डेट कंफर्म कर दी गई थी। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3 की ओर चले जाते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बारीकी से हर एक चीज़ को समझ लेना ही आपके लिए लाजमी होता है। उल्लेखनीय है कि पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण के पत्र संख्या इतना दिनांक 13 अप्रैल 2021 द्वारा प्रशिक्षण रिक्रूट आरक्षियों की त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 में लगाई ड्यूटी के दृष्टिगत पुलिस आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 के प्रथम चरण के अंतर्गत 3/11/2021 से प्रचलित रिक्रूट आरक्षी नागरिक पुलिस के आधारभूत प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षकों की पासिंग आउट परेड अब 28 मई 2021 को प्रस्तावित की गई है। अतः प्रशिक्षण केंद्र रिक्त होने के पश्चात ही आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना रिक्रूट संभव हो पाएगा। सो आई होप कि यहाँ तक की सभी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी कि क्या लॉजिक है इसके पीछे का, क्या कारण है जो कि आपकी डेट इतनी आगे बढ़ाई जा रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं आगे की चीज़ों की। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस लाइनों में आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 के प्रथम चरण के आधारभूत प्रशिक्षण RTC जिसका पासिंग आउट 28 मई 2021 को प्रस्तावित है, अतः आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती द्वितीय चरण के जो पूर्व प्रस्तावित JTC प्रशिक्षण एवं आधारभूत प्रशिक्षण यानी RTC को निम्नानुसार संशोधित किया जा रहा है, और इनके संशोधन को एक बार देख लीजिएगा। द्वितीय चरण का संशोधन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बता दिया गया है, 31 मई 2021 से JTC, वहीं 28 जून 2021 से RTC प्रारंभ होनी है। उक्त पत्र पुलिस महानिदेशक महोदय के अनुमोदन उपरांत निर्गत किया जा रहा है। निर्देश अनुसार अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में अपने अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई कराने का कष्ट करें। और ये प्रतिलिपि किस किस को दी थी तो वो चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं, और ये सारी की जानकारी इसमें दे दी गई है।
उम्मीद ही नहीं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने सभी चीज़ें यहाँ तक नहीं भी समझी थी तो अब इस सेशन को देखकर आप समझ गए होंगे कि किस कारणवश से आपकी जो JTC और RTC है वो आगे एक्सटेंड की गई है। तो सो आई होप मैं यहाँ पे आपसे एक आशा कर सकता हूँ कि आप इस सेशन को लाइक करके साथियों के साथ जरूर शेयर कर देंगे और किसी भी प्रकार की तकलीफ होने पर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। तो फिलहाल रखेंगे इस सेशन में बस यहीं तक, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन था, आप नोटिस तो दिखाते नहीं है, सीधे सीधे बातों को बता के चले जाते हैं, तो इसलिए वो भी सेशन मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। फिलहाल इस सेशन में रखेंगे बस यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।